ओके गाइस, व्हाट इज अप? टुडेस डेट इज एक्चुअली आई डोंट नो, लेट मी चेक, मुझे जरा डेट देखनी पड़ती है। आज की तारीख दिनांक है 6th of February 2018 एंड दिस इज अ थर्ड ब्लॉग ऑफ द 2018, सो आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस ईयर इज गोइंग बेस्ट फॉर द एमटीसी ब्लॉग। एंड यप, विदाउट एनी फर्दर डू चलो सीधे चलते हैं फिर वहां जाकर बात। ओके एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। आई नो मैंने पिछला वीडियो भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया था कि मैं घर पे बैठा था, बट दिस टाइम द बैकग्राउंड इज समथिंग डिफरेंट एंड आई होप यू लाइक दिस होल सेटअप। एंड टुडेज वीडियो इज लाइक समथिंग डिफरेंट। जब मैं घर पे था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कजिन सिस्टर जो है रुद्री और जैनी के साथ एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा जो कि एजुकेशन के रिगार्डिंग होगा। मतलब मैं उससे रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा और उसके रिगार्डिंग वो लोग आंसर देंगे, बट दे फील नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो डोंट वरी। इन दिस वीडियो आई एम पुटिंग सम क्वेश्चन अप टू यू एंड आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू इन द कमेंट बॉक्स, सो आई होप दैट यू आंसर देम। सो विदाउट एनी फर्दर डू अगेन फिर से एक बार शुरू करते हैं। दिस मेड फ्रॉम एमटीसी ब्लॉग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं कि पढ़ाई जो है वो काफ़ी सालों से, मतलब जब राजा महाराजा थे तो उसके बच्चे जो है जो तंत्र मंत्र नहीं बोलते पर जो कि फाइटिंग की जो है एजुकेशन लेते थे, जो ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मण, उनके बच्चे जो है विद्या कर्म पाठ जो है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लेते थे। बट नाउ दिस होल एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू चेंज फॉर नाउ नीड, जो कि अभी की नीड है उसके रिगार्डिंग जो हमें एजुकेशन चाहिए वो हमें मिल रहा है। पर मैं बात करूँ स्पेशली गुजरात, एज आई एम लिविंग गुजरात एंड आई प्राउड टू बी गुजराती, बट वन थिंग जो मेरे को कभी कभी अपने दिमाग में आती है कि जो गुजरात के एजुकेशन सिस्टम है, मतलब गुजरात बोर्ड है, वो कहीं ना कहीं पीछे है एज़ कम्पेयर टू द CBSE बोर्ड और द अदर स्टेट बोर्ड और द इंटरनेशनल बोर्ड, क्योंकि हमें जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा ओल्ड है। हालांकि मेरे को ऐसा कोई राइट्स नहीं है बोलने का कि वो लोग जो कर रहे हो गलत है, बट फिर भी संभव मुझे लगता है कि जो भी सोशल साइंस और मैथ्स का वगैरह जो भी वो पढ़ाते हैं, इट कैन बी मोर इम्प्रूव, इट कैन बी मोर एनहांस, कि जिसकी मदद से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो काफ़ी ठीक तरीके से पढ़ पाए। अगर मैं बात करूँ अपनी कॉलेज की, तो हमारे वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ की गई है, सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इफ अवर सर गिव अस परमिशन टू मेक वीडियो रिगार्डिंग दैट, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। सर क्या करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने में आते उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो शूट करेंगे एंड देन दे अपलोड ऑन अवर सर्वर। द सर्वर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द लाइव IP, सो वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम वेर एवर वी वॉन्ट, और उसके मदद से हम वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो हम सर को पूछ सकते हैं। सो एक पूरी नई एजुकेशन सिस्टम, एक पूरी नई टाइप का जो पढ़ाने की सिस्टम लाने की कोशिश की गई है। इन डिटेल इफ पॉसिबल मैं वीडियो बनाऊँगा अगर हो सका तो। और मैं बात करूँ सेल्फ डिसिप्लिन की, सो मैं पहले से बता रही हूँ कि कोई मेरा इस तरीके का कोई इंटेंशन नहीं है किसी और बच्चे को या फिर किसी और स्कूल को टारगेट करना, बट आई एम बिलोंग फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल। मैं फर्स्ट से सेवन स्टैंडर्ड का कॉन्वेंट स्कूल में था और पर्सनली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उसमें सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। अगेन आई एम फिर से बता रहा हूँ कि मैं किसी भी स्कूल से, किसी भी बच्चे से, किसी भी कास्ट से कोई रिलेट नहीं कर रहा, बट जो मेरे अंदर है, जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्वेंट स्कूल से बिलोंग नहीं करते वो बच्चे बिल्कुल जो है उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, बट एज़ पर माई थिंक कि जो बच्चे वहाँ से होते हैं उसको पता नहीं इस तरीके से एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन में ही रहते, सो दैट थिंक वो मेरे माइंड में था। हालांकि मैंने कभी दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर इंटरनेशनल स्कूल जो है पोदार इंटरनेशनल स्कूल, इस तरह के स्कूल से मैंने कभी एजुकेशन लिया नहीं और मुझे उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। सो ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और यप यही था इस पूरे वीडियो के बारे में। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, बी काम फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा बोल दिया। ओके,
अब मैं बात करूँ कोलैब्स की, तो लास्ट वाला मैंने कोलैब किया था अनुज वोरा के साथ टेक कार्ट पर, आप लोगों का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है मेरे को देखने को मिले। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स। आप लोग काफ़ी लोग जो लाइव पे है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे, बहुत मज़ा आया, ऐसे ही लाइव करते रहूँगा, प्लीज़ मुझे ज्वाइंट करते रहेगा। और अब मैं आपको एक आप लोगों को एक और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास है कुछ यूट्यूबर्स के नाम जिसमें है PMG टेक्निकल, गुज्जू गोरिलाज, जो चिंतन डांगर मेरा फ्रेंड है वो, फिर है सूफ स्पेस शुभम चांदोले वो एक मेरा फ्रेंड है, फिर है PMG टेक्निकल और गुज्जू हसू भाई, ऐसे दो तीन YouTube चैनल जो है मेरे ध्यान में जो काफ़ी मेरे फ्रेंड है। सो उसके साथ भी जो है कोलैब पॉसिबल हो सकते, तो आप लोग बताओ मुझे कि आपको किस तरीके का कोलैब चाहिए, वीडियो शूट में चाहिए या फिर लाइव हम करें उसमें चाहिए, आप लोग बताओ मुझे उसके रिगार्डिंग। और ये डेफिनेटली मुझे बताना इस नए सेटअप के बारे में, इफ़ यू लाइक दिस सेटअप सो वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट इन अवर फ्यूचर वीडियोज। और गिव अवे गाइस, ओके मेरे को ये चीज़ अभी नहीं बोलनी थी, वो फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी एक बढ़िया गिव अवे का प्लान कर रहे हैं और कोट कर रहे हैं, क्या है वो सब आ गया कि आपको मैं बताऊंगा, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द गिव अवे मेक श्योर यू हिट द लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो मेरे को बोलना था वो मैंने पूरा बोल दिया गाइस, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो मेक श्योर वीडियो लाइक, इफ़ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी मैंने चीज़ बोली, हालांकि कई कई सारी चीज़ें वो छूट गई है जो मैं पूरा बोलना चाहता था, वो अगर मेरी सिस्टर कन्विंस हो जाती तो एक पूरा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन बनता वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट मे बी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, डेफिनेटली होगा वो आएगा बढ़िया सा वीडियो। सो जो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग जो मैंने बात की वो पसंद है, तो इसको सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। And yep, yeah, guys, till the next video, be happy, always smile, take care, and bye-bye, guys. Okay, bol. Sir, pura jo video record karte hai, aur lock kar denge. Mane beat che ho, kya nahi ki koi aise. If you share, sorry. Marco, I got a gecko.